हम तो फिर भी कांग्रेस को अभी देंगे, जो भी है हम कांग्रेस को देंगे। आया पे कांग्रेस का है, अल्लाह तो ऐसा ही मत रहा है। वो बोले कुछ भी हो बाकी जीतेगी मालनी गोली, इतना भारी करेगा अपने बीजेपी आएंगे और क्या, कोई नहीं आएगा बाकी तो। इस वक्त हमें इंदौर क्षेत्रमांग 4 में, जो पिछले 33 वर्षों से भाजपा के कब्जे में है, इस बार पार्टी ने यहाँ पर मालिनी गोड़ को भाजपा प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने राजा मनवानी को टिकट दिया है। आइए हम जानते हैं यहाँ क्षेत्र के लोगों से कि यहाँ पे क्या समस्या है और क्या विकास की दरकार है। बताइए, क्षेत्रमांग 4 व्यापारिक क्षेत्र में होता है, तो क्या लगता है आपको, क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के? केजल राव बोल रहे, विधानसभा 4 वार्ड परिषद का कर्मकारी करता है, रेगुलर कार्य करता हूँ। इस वार्ड में माननीय गौड़ को ही विधायक बनाया जाएगा, क्योंकि वो काम करती है वार्ड में। क्या क्या काम की संभावना? इस वार्ड में अच्छे काम करे, यहाँ पर पानी की समस्या नहीं, बोरिंग भी खुदवाया माननीय गौड़ ने, यहाँ पर लेटरिन का छूट कर, अभी भूमि पूजन कर रहे हैं माननीय गौड़ ने, कल परसों भूमि पूजन करा, कॉम्प्लेक्स बनवाया, और बगीचे में पहले साफ सफाई नहीं होती, जब साफ सफाई हुई इस वार्ड में। आपको क्या लगता है इस बार क्या रहेगा माहौल, किसका माहौल रहेगा? माहौल तो बहुत ऐसे साल है, बहुत खदाने लग रही है अभी, यहाँ कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर बहुत जगह से चल रही है इस साल। बहुत बढ़िया, चार में क्या स्थिति रहेगी? चार में चल रहे बहुत टक्कर है, बीजेपी बोल नहीं सकते। पता यहाँ क्या क्या विकास के मुद्दे बचे हैं, क्या क्या काम बचा है? यहाँ पे तो लगभग काम हो चुका है सब कुछ, विकास कुछ है नहीं है। कुछ सड़कों की समस्या है? सड़कें तो बनी हुई है, देख लीजिए आप। क्या लगता है इस बार कौन नहीं, सिंधी समाज का है तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा इस बार, फर्क पड़ेगा। हाँ, किसको मतलब, कांग्रेस रहेगा? नहीं, मामला बराबर ही करेगा। काम तो ज्यादा, देखो जब आते हैं ना, जब चुनाव के टाइम हाथ जोड़ते हैं, काम निकलने के बाद कोई भी किसी से नहीं पूछता है, समझ गए आप? नालियों के मच्छर हमको काटते रहते हैं, उनका काम हो गया, बात खत्म। तो क्या लगता है किसका पल्ला भारी रहेगा यहाँ? अरे पल्ला भी सके, इसके अंदर किसको बोलते हैं, सब आते हैं ध्यान रखना, ध्यान रखना, फिर क्या करें, मच्छर ना करके चले जाते हैं। आप बताएं क्या समस्या है क्षेत्र की? बस भैया जी, वही समस्या जो दादा ने बताई, जो आते हैं वो यही बोलते हैं समस्या सही करेंगे, जीतने के बाद कौन समस्या ठीक करता है, सब बात बरोबर हो जाती वही, बस और क्या समस्या। आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी रहेगा? अब वो तो भगवान जाने, हम कि अब कैसे नाम बता सकते किसी का। पता है क्षेत्र में विकास के कौन से मुद्दे बचे हैं अभी? अभी सर बहुत सारे मुद्दे इधर है, आप पीछे चले जाइए बगीचे में, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि क्या विकास के हैं। आप जाके पीछे 2 मिनट देख लीजिए, कितना कचरा पड़ा है, कितना सब कुछ पड़ा है, आप जाके पीछे भी 2 मिनट चेक कर लीजिए जाके। इस बार यहाँ पे कांग्रेस से राजा मनवानी को उतारा है और बीजेपी ने मालिनी गौड़, इसका पलड़ा भारी लग रहा है? मालिनी गौड़ तो कभी जिंदगी में जरा झाका भी नहीं है, और उस दिन भी देखा था, 2-4 दिन पहले भी गाड़ी में से उतर भी नहीं पा रही थी, गाड़ी में बैठी थी, और ना कभी देखने के लिए इधर आई है कि भाई आप लोगों का क्या विकास है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं आती इधर। हम तो फिर भी कांग्रेस को अभी देंगे, जो भी है हम कांग्रेस को देंगे, मारे तक कुछ भी नहीं किया है, इधर देखने भी नहीं आती है कि क्या आपका हाल है, क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है आपको, आप खुद देख सकते हो मंडी की हालत। इस क्षेत्र में क्या क्या विकास के काम हुए और क्या क्या बचे? साफ सफाई का ही काम चलता है यहाँ पे, वैसे तो देखा जाए तो साफ सफाई में नंबर 1 है, बाकी दूसरी चीजों में तो कुछ होता नहीं है। तो इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको 4 नंबर? यहाँ तो बीजेपी आती है, उम्मीद है तो उसी की, बीजेपी की। इस बार एक सिंधी जो प्रत्याशी कांग्रेस में, उनको उसका कुछ फर्क पड़ेगा? सिंधी लोग तो क्या बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं वैसे देखा जाए तो, अब कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिक्स से कोई भी आ सकता है। पता है क्या क्या विकास के मुद्दे क्रमांक 4 में बचे हैं? यार ये तो मेरे को आइडिया नहीं है, किसका पल्ला भारी रहेगा इस बार? इसका पल्ला भारी रहेगा, अब ये तो क्या कर सकते हैं, सब आपस में ही तो है, क्या कह सकते हैं, बीजेपी कांग्रेस को लग तो रहा है अब पे कांग्रेस का है, अल्लाह तो ऐसे ही मत रहा है, पर फिर भी आगे मालिक है, और क्या है? वार्ड नंबर 4 ना? नहीं 4 नंबर। तो क्या बताएं, इस बार क्या माहौल लग रहा है, कौन जीतेगा इस बार? मैं तो क्या बता सकता हूँ, फिर भी एक हमेशा का जो परंपरा रही और इस बार कांग्रेस ने वो बोले कुछ भी हो बाकी जीतेगी मालनी गोली, क्यों मालनी गोली जीतेगी?
इस बार क्षेत्र मांग चार में क्या माहौल लग रहा है, किसका पल्ला भारी रहेगा? पल्ला भारी का रहेगा अपने बीजेपी आएंगे और क्या, कोई नहीं आएगा। बाकी तो बीजेपी आएगी तो हिंदू राष्ट्र रहेगा, फिर मुसलमानों का रहेगा। मैं यहाँ पे हिंदुस्तान क्या रहेगा, क्या कारण मानते क्यों? नहीं, यहाँ पर क्या है कि जब से मोदी जी आए ना तो मतलब कांग्रेस तो मतलब खत्म ही हो चुकी है लगभग लगभग, मतलब बीजेपी आना चाहिए लगभग, और आएगी बीजेपी, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। इस वक्त हम क्षेत्र मांग चार में हैं। यहाँ के लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि यहाँ पर 33 वर्षों से बीजेपी आती रही है, इस बार भी आसार बीजेपी के ही रहेंगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस बार कांग्रेस ने जातिगत समीकरणों के आधार पर टिकट दिया है और इस बार फैसला किसी के भी पक्ष में आ सकता है। कैमरामैन जयेश मालवी के साथ में अभिषेक चैंड के, अमर उजाला इंदौर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।